वहाँ जा सकते हैं? अच्छा हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कल रात फिर एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया बाइक में, उसका जो कैरियर होता है उसका क्लिप ही टूट गया, जिस वजह से फिर मैं कुल्लू ही रुक गया था। और कुल्लू में ये मतलब 4 किलोमीटर पहले ही है स्काई लार्क करके होटल, नॉट अ बैड होटल, और अभी यहाँ रुक गया हूँ। अभी जाके वो ठीक करवाना बहुत ज़रूरी है और टाइम हो रहा है 9, तो मैं 10 बजे तक शायद हो जाएगा मेरा काम, क्योंकि अभी शॉप्स खुल रही हैं यहाँ पे। एक बार शॉप्स खुल जाएंगी वो ठीक करा के, देन आई विल स्टार्ट माई जर्नी आगे की तरफ। टिल देन आप लोग व्यू इन्जॉय करो, यहाँ व्यू बहुत अच्छा है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कुल्लू से निकल चुका हूँ बेसिकली, और अभी टाइम हो रहा है कुछ 1 के आसपास। आज खाली 150 किलोमीटर कवर करने हैं, सो मैंने सोचा आराम से निकलता हूँ। और वो बाइक का जो हुआ था वेल्डिंग जो टूट गई थी, वो वेल्डिंग करा के एक्स्ट्रा सपोर्ट्स दे के अब पक्का काम करा लिया कि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ से है ऑलमोस्ट 3.5-4 घंटे की ड्राइव, वो मैं आज आराम आराम से करूँगा और फुल एंजॉय करते हुए चलेंगे। देखिए ये होता है व्यू। अब थोड़ा मौसम भी ठंडा होता जा रहा है, अब आएगा मौसम। और अगर हाँ आप लोगों को कैश निकाल लो तो यही निकाल लो जितना निकाल लो, बिकॉज उसके बाद से रोहतांग के बाद तो ATM का कोई चक्कर है ही। सो ये बात भी हमेशा याद रखना, बैक टू सेम ओल्ड व्यू। इसका फ़ोटो भी है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, आज भी उतना ही मस्त लगता है। सो अब कैश वगैरह निकालने का सारा काम कर लिया है, अब निकल रहे रोहतांग की तरफ। ये रास्ता जाता है आपका अटल टनल की तरफ, और वो वाला है पुराना रास्ता अगर आपको रोहतांग जाना है तो। सो देखते हैं अटल टनल क्या बना है, अब बस ये ना हो कि वो 3 तो बच गए हैं, कहीं इनको मेंटेनेंस में ना डाल रखा हो, क्योंकि अगर मेंटेनेंस में डाल रखा होगा एक साइड भी तो फिर हम लोग नहीं जा पाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे जब भी सब बाइकर्स आते हैं या जो दूर से आ रहे होते हैं वो एक दूसरे को थम्स अप करते हैं, इससे बेसिकली एक तो मोटिवेशन बढ़ जाता है आप राइड कर रहे हो, और जो आ रहा है वापस उसके लिए ये है कि भाई तू सेफली वापस आ गया, तो यू डिड अ गुड जॉब। तो बेसिकली मैं मानता हूँ कि
हमेशा जब भी आपको कोई फेलो राइडर दिखे तो थम्स अप या हाय कर दोगे तो खुद का भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा और उसका भी जो अगला दूर से चला के आ रहा है। ये नया मेरे ख्याल पॉइंट बन गया है रोहतांग के बाहर जहाँ लोग आ रहे हैं, इधर भीड़ भी बहुत है और ये रोप वे भी है। अगर आप इंजॉय करना चाहो, ऊपर तक जाना चाहो और व्यू लेना चाहो, नाइस सामने देखो कितना। भाई अगर तुम लोगों ने ये नहीं देखा सामने इधर, ठीक है जी, सामने का दिख गया, अब ये वाला व्यू देखो, मतलब दिमाग फट जाएगा भाई, देख रहे हो, जस्ट लुक एट दिस ब्रो। चल रहा है खुलो सर, खुला हुआ ये, खुला हुआ जा सकते हैं। अच्छा देखिए, सिंस मैं इसमें फोटोग्राफी नहीं कर सकता अंदर, ठीक है, मिलते हैं टनल के बाहर, बाय बाय। अटल टनल में तो बायलॉज की वजह से आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते फॉर द सेफ्टी एंड एवरीथिंग, क्योंकि मिलिट्री वगैरह का चक्कर भी है। सो आप अब ये देखो, अभी तक इतना ग्रीन ग्रीन था, अब जैसे ही मैंने टनल क्रॉस करा है पूरा वही चेंज हो गया है लैंडस्केप। अच्छा ये रास्ता जाएगा अपना लेह लद्दाख संस्कार जो हमें जाना है, वो वाला रास्ता जाएगा सारा का सारा काजा स्पीति पर। लाइफ बहुत आसान हो गई है इसके बनने से। सो अब चलते आगे की तरफ। लंच क्या इवनिंग स्नैक हो गया बेसिकली। ये इको कैंप करके एक जगह है, वेरी नाइस प्लेस, आप आ सकते हो, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। ये टांडी से मेरे ख्याल से 5 से 10 किलोमीटर पहले पड़ेगा और इनके कैंप्स भी बहुत अच्छे हैं। एक इको कैंप में ये भी मिलेगा आपको, खतरनाक आदमी तब से घूम रहा है इधर से उधर मोटू। मैं अभी या तो आज जिसपा जाऊँ या दारचा तक, फिर कल निकलूंगा आगे पदुम की तरफ। वापसी में मैं जाऊंगा कारगिल और श्रीनगर की तरफ से, ठीक है, ओके जी। अच्छा कैंप है, आप लोग आ सकते हो। हाँ तो अगर आपने दो मस्ताने देखी होगी वीडियोस जो लेह लद्दाख की है मेरी और मेरे पार्टनर की, मेरा दूसरा मस्ताना जो कि बेचारा आ नहीं पाया इस बार, तो उसके लिए स्पेशली ये वीडियो शूट करी जा रही है क्योंकि उसके साथ मैंने बहुत बुरा किया था, उसको मैं वहाँ तक चढ़ा के लेके गया था सो दैट मेरे को वहाँ का व्यू मिल सके। सो आई होप यू रिमेम्बर दिस प्लेस ब्रो।
ये देखो हमारे साथ दो मस्ताने का पार्ट टू, बेचारा घर पे बैठा है और ये क्या क्या मिस कर, तो और इनको जो दिखाना था वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनकी जलाने में बहुत मज़ा आता है मुझे। ये देखो, आ हा 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 हा, अब मैं फाइनली जिस पर पहुँच गया हूँ। अब मुझे सोच रहा हूँ कि मैं रुकूँ कहाँ, जहाँ मैं पहले रुका था वहीं रुकूँ या फिर एक ही नीचे कैंप दिख रहे हैं यहाँ रुकूँ। वैसे ही आगे चलते हैं, देखते हैं। पहले तो फ़ोन के सिग्नल नहीं आ रहे, अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले इतना अच्छा 4G आ रहा था, अब ई आ जाता वही बहुत बड़ी बात थी। आज का दिन बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया, क्या व्यूज़ थे, खाना भी अच्छा मिला। अब रूम ले लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ।